एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। एक दिन उसने अपनी सारी संपत्ति दान देने का निर्णय किया। उसने गांव के गरीबों और ब्राह्मणों को बुलाया। जिस किसी को जो कुछ भी चाहिए था, उसने उनको वह सब दान में दे दिया। उसका यह दान पुण्य देखकर उसके एक मित्र ने उससे कहा कि तुम संत नामदेव को बुलाकर उन्हें भी कुछ दो, क्योंकि संत नामदेव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जब संत नामदेव को संदेशा भेजा गया तो संत नामदेव ने दान लेने से मना कर दिया। संत नामदेव ने कहा, मैं गृहस्थ पुरुष हूं और मुझे किसी तरह के दान की जरूरत नहीं है। परंतु धनी व्यक्ति ने बार बार संत नामदेव को बुलावा भेजा। अंत में संत नामदेव आए। सेठ ने संत नामदेव से कहा, महाराज आपको जो चाहिए वह ले लीजिए। संत नामदेव ने एक तुलसी का डल लिया और उसके ऊपर राम का आधा नाम रा लिखकर तराजू के एक पलड़े में रख दिया। बोले कि मुझे इसके वजन का सोना तोलकर दीजिए। यह सुनकर सेठ बोला, महाराज मैं आप सब कुछ देने को तैयार था, लेकिन आपने इतना कम मांगा, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। जब सेठ ने तराजू के दूसरे पलड़े में सोना रखा तो देखा कि तुलसी डल का पलड़ा भारी था। तब उसने दूसरे पलड़े में और सोना रखा, लेकिन तुलसी डल का पलड़ा भारी ही रहा। इसके बाद एक बड़ा तराजू मंगवाया गया। बड़े तराजू में बहुत सारा सोना रखा गया, परंतु तुलसी डल अब भी ज्यादा भारी था। तब सेठ ने अपने सारे हीरे जेवरात भी सोने के साथ रख दिए, परंतु तुलसी डल का पलड़ा फिर भी भारी रहा। तब संत नामदेव ने सुझाया, आप इतना दान पुण्य करते हैं, अगर आप अपने दान से अर्जित पुण्य को भी सोने के साथ रख दें, तो हो सकता है तुलसी डल का पलड़ा हल्का पड़ जाए। सेठ को भी लगा कि ऐसा संभव है। उन्होंने संकल्प करके अपने सारे अर्जित पुण्य को सोने के साथ रख दिया, परंतु आश्चर्य, फिर भी तुलसी डल का पलड़ा भारी ही था। तब सेठ ने संत नामदेव के चरण पकड़ लिए और कहा, मैं आपको तुलसी डल के बराबर धन देने में असमर्थ हूं। संत नामदेव ने सेठ को उत्तर दिया कि मुझे कोई धन नहीं चाहिए था, मैं तो केवल आपको कलयुग में तुलसी का और राम नाम के जप का महत्व बताना चाहता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम लगातार राम नाम जप करते रहे तो मोक्ष भी संभव है। यही सलाह माँ आनंदमयी जैसे सद्गुरु भी देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल से अपडेट पाने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।